तो फ्री पढ़ाई फ्री पढ़ाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस 1 से 15 मार्च के, मैंने इसमें 88 क्वेश्चंस लिए हैं। ये 88 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट से आगामी के लिए। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आइए हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? आपके ऑप्शन ये है और इसका जो सही आंसर है वो है सुपोषित महाअभियान। सुपोषित महाअभियान इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 28 फरवरी। इसका जो सही आंसर है वह 29 फरवरी। 29 फरवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला लॉन्च किया रेस्टोरेंट ऑन व्हील है? ऑप्शन है ए सूरत, बी पुडुचेरी, सी आसनसोल, डी दरभंगा। इसका जो सही आंसर है वो है आसनसोल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में किस दिन विश्व उपभोक्ता उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, जर्मनी, रूस। और इसका जो सही आंसर है वो है भारत, भारत में किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पेस का हाल ही में निधन हो गया? आपके ऑप्शन है ये और इसका जो सही आंसर है वो है कोंकणी, कोंकणी भाषा से थे वो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर के ऑनलाइन भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया? ऑप्शन है ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी हिमाचल प्रदेश। और इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस सिविल अकाउंट डे मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 28 फरवरी, 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च। और इसका जो सही आंसर है वो है 1 मार्च। 1 मार्च को सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? आपके ऑप्शन ये हैं और इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मदीन यासीन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मलेशिया की करेंसी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 28 फरवरी, 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 मार्च। अगला क्वेश्चन है, राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज करने अपने करियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है जर्मन ओपन, मैक्सिकन ओपन, इंडियन ओपन और अमेरिकन ओपन। और इसका जो सही आंसर है वो है मैक्सिकन ओपन। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन जैव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 3 मार्च, 2 फरवरी, 10 जनवरी या 25 फरवरी। उसका जो सही आंसर है वो है 3 मार्च। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए? ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी, काइल जेम्सन, लॉकी फर्ग्यूसन। और इसका जो सही आंसर है वह है टिम साउथी। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हेयरिंग डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 फरवरी, 3 मार्च, 20 दिसंबर। इसका जो सही आंसर है वो है 3 मार्च। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज द्वारा वन्य जीवों की सूची में नए बदलाव के साथ ही किस देश के प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत। और इसका जो सही आंसर है वो है भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2020 का विजेता रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसका जो सही आंसर है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को हाल ही में इकोग्या है सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? ऑप्शन है राष्ट्रीय चंबल, सुंदरवन बाघ, बांधवगढ़ राष्ट्रीय, कान्हा राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग
कारीगर और उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन है एकल एकम बुनकर भारत, और इसका जो सही आंसर है वो है एकम उत्सव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका जो सही आंसर है वह चौथा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस नाडा प्रतिबंध हटा भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है मुकेश सिंह, अजय वर्मा, देवेंद्र मलिक, सुमित सांगवान। और इसका जो सही आंसर है वो है सुमित सांगवान। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपल फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई? आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है सजित प्रेमदासा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, B12 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवाई सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है? आपके ऑप्शन है ये 26, 30, 32, 20, और इसका जो सही आंसर है वो है 26। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन GFI को सफ़ेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पे? आपके ऑप्शन है ये, इसका सही आंसर है 3, तीसरे नंबर पे भारत। आपको बताना है कि पहले नंबर पे कौन है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट को माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को प्रतिमाह फ्री बिजली देने की घोषणा किया है, वो कितने यूनिट? आपके ऑप्शन है ये, इसका जो सही आंसर है वो है 100 यूनिट प्रतिमाह। अगला क्वेश्चन है, बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई? आपके ऑप्शन है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटका क्रिकेट टीम को हराकर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है 5100 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में नए ACC वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है कमलकांत पांडे, अजय भूषण पांडे, राहुल सचदेवा, संतोष कुमार सिंह, और इसका जो सही आंसर है वो है अजय भूषण पांडे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? आपके ऑप्शन है 7, 8, 2, 4, और इसका जो सही आंसर है वो है 2। भारत ने 2 को सूची में डाला है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका जो सही आंसर है वह है महाराजा गुलाब सिंह। अगला क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है हम सफर मोबाइल ऐप। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर के भारतीय भूमि पट्टन अधिकरण लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन है ये, पटना, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, और इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, BCCI की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है सुनील जोशी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? रानीखेत, अल्मोड़ा, बिनसर, गैरसैंण, और इसका जो सही आंसर है वो है गैरसैंण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया? आपके ऑप्शन है लग्जमबर्ग, कनाडा, पेरू, ब्राजील, और इसका जो सही आंसर है वो है लग्जमबर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ये, और सही आंसर है 4 मार्च।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? विवेक मोहन, सुमित अरोड़ा, संजय कुमार पांडा, देवनायक गांधी। और इसका जो सही आंसर है वो है संजय कुमार पांडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए? केरन पोलार्ड, क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकलम, ड्वेन ब्रावो। और इसका जो सही आंसर है वो है केरन पोलार्ड। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दी है? इसका जो सही आंसर है वो है 10। ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.65% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? इसका जो सही आंसर है वह है 8.50%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया है? आपके ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर है मिलन 2020। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है 15। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए इसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है यस बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया? इसका सही आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? इसका जो सही आंसर है वो है 17। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कौन सी चरण की शुरुआत की है? इसका जो सही आंसर है वो है 2। अगला क्वेश्चन, किस विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में 4थे बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? आपके ऑप्शन है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है PV सिंधु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ ईयर सूची में शामिल किया गया? इसके आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है टाइम मैगजीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का क्या नाम रखा गया है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है प्रिजर्वेंस। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार किस पौधे से जुड़े एंडोफाइटिकेटिनो बैक्टीरिया इन पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं? आपके ऑप्शन है ये, उसका सही आंसर है चाय के पौधे। अगला है, गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है शुद्धानंद महोत्रो। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व का फाइनल खेलने वाले विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? आपके ऑप्शन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और शेफाली वर्मा इसका आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? इसका जो सही आंसर है वो है 85 रन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सभी को पता होगा, 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया? इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? इसका जो सही आंसर है वो है बिमल जुल्का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? आपके ऑप्शन है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है 15। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ? इसका जो सही आंसर है वह है भारत। भारत में जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ये, इसका सही आंसर है 7 मार्च। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को ने अपना पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया? इसका जो सही आंसर है वो है PV सिंधु। किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजनाएं की मांग की है? इसका जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश।
हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? आपके ऑप्शन है ये, उसका सही माफी चाहता हूँ दोस्तों, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? इसका जो सही आंसर है वो है अफगानिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है पूनम यादव। अगला क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद निम्नलिखित से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? इसका जो सही आंसर है वो है जैक मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कोरोना वायरस के कारण 31 मार्च तक सभी सिनेमा थिएटर बंद रखने का फैसला लिया है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है केरल। भारत में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है 10 मार्च। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है कोवा पंजाब। अगला क्वेश्चन, भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में किस क्षेत्र में मौजूद कुतुब शाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर कहे जाने वाले किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है वसीम जाफर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है 23वां, 27वां, 35वां, 40वां, और इसका जो सही आंसर है वो है 23वां। भारत की स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्फोसिस ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है क्वालकॉम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला वकीलों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है? कर्नाटक उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, और इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटका उच्च न्यायालय। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशकों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? आपके ऑप्शन है ये, और इसका सही आंसर है एमएस देशवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर का खिताब हाल ही में किसने जीता है? इसका जो सही आंसर है वो है पंकज अडवाणी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाकर कम कर दिया है? इसका जो सही आंसर है वो है 5.3%। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिया? आपके ऑप्शन है ये, उसका सही आंसर है 15 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं? आपके ऑप्शन है ये, उसका सही आंसर है रूस। निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ राज्य में जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व निद्रा दिवस 2020 मनाया गया? आपके ऑप्शन है ये, और सही आंसर है 13 मार्च। फेसबुक ने निम्नलिखित में से किस नाम से भारत में CSR पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है प्रगति।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में कोकून उत्पादन के मलबरी डिलीज को चपेट में आने के बावजूद वे स्वदेशी रेशम की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध है? इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव के निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है ये, और इसका जो आंसर है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप निबंधक हाल में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है नुपुर कुलकेश को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सभी बचत बैंक खातों हेतु न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में किस बैंक ने यस बैंक के 72,50,00,00,000 रुपए के शेयर खरीदने की घोषणा की है? इसका आंसर भी भारतीय स्टेट बैंक ही है। हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 40वां। और कोरोना वायरस के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपके ऑप्शन है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है 011-2397-8046। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।